जी अच्छा, भाई टॉपिक हमारा फंक्शन का ही है, उसका सब टॉपिक है नॉट डिफाइंड केस। क्वेश्चन में जो है ना नॉट डिफाइंड की कंडीशन देते हैं, उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो नॉट डिफाइंड केस क्या होता है भाई, कौन बताएगा? जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है। राइट, व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो दिस केस विल बी नॉट डिफाइंड। सही है, देयर आर सम एग्जांपल हियर। 5/0, 5/0 कैन नॉट बी डिफाइंड। कैलकुलेटर में अगर आप इंसर्ट करते हैं 5/0, आपको वो मैथ एरर देता है, ठीक है ना। मैथ एरर देता है, लेकिन मैथ एरर नहीं है, बेसिकली कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। बट 0/5 इज जीरो, ये डिफाइंड है, ये जीरो आंसर होता है। तो व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो इट विल बी नॉट डिफाइंड केस। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 5x/3x-1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये आप तो पूछ रहे हैं जना फंक्शन वैल्यू बताएं एक्स की जिसमें फंक्शन क्या हो जाए नॉट डिफाइंड हो जाए। जी तो इसको फाइंड करने के लिए देखें, सबसे आसान टेक्निक है नॉट डिफाइंड केस की डेफिनेशन है कि भाई जो है ना व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो, ठीक है ना। जी तो इसमें आप जो है ना, एक मिनट, मैंने थोड़ा क्लिक किया है, इज जीरो। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट डिनोमिनेटर इज जीरो, ठीक है भाई। और उसको हम अज्यूम करेंगे जीरो, और जीरो अज्यूम करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कहेंगे भाई लेट 3x-1 इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज नॉट डिफाइंड केस में डिनोमिनेटर क्या होता है भाई, जीरो होता है, इसलिए हमने इसको अज्यूम किया जीरो के। और इससे हम ले आएंगे एक्स की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 1/3, ठीक है, सिंपल, ठीक जी ठीक है। है। और अगर हम इसको चेक करना चाहें, ये कॉपी कर लें, फिर मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ कि भाई चेक कैसे होगा ये, राइट। जी +1 की जगह 0 चलिए, हाँ तो हमने ये तो कहा है। अच्छा, लेट, बल्कि लेट लेने की जरूरत ही नहीं है ना, हम ये कहते हैं कि भाई फॉर नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर लेट ना ले आप ले कि भाई फॉर नॉट डिफाइंड, फॉर नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्या जी होता है ठीक भाई, है डिनोमिनेटर इज जीरो, हाँ जी तो लेट ना ले, ये तो अंडरस्टूड है ना कि भाई इसको डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, जी ठीक है इज जीरो। तो हमने कहा ओके, देयरफॉर वी कैन से कि 3x-1 इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर की जीरो अज्यूम किया, वो लिखा और इसको एक्स फाइंड आउट कर लिया हमने। जी सही, ठीक है जी कन्फ्यूजन तो नहीं? पहले लेट से कन्फ्यूजन हो रही थी आपको? नहीं, लेट तो फिर ये हो गया ना, हम अज्यूम कर रहे हैं भाई, क्यों अज्यूम कर रहे हैं हम, ये लॉजिक तो होनी चाहिए इसकी। सही, जी वेरी वेरी गुड। इफ यू वॉन्ट टू चेक के एक्स की वैल्यू सही है या रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे आपके ख्याल में बताइए। अगर मुझे चेक करना है कि एक्स की वैल्यू सही है या गलत है जिसकी वजह से फंक्शन फिर नॉट डिफाइंड हुआ है। x/3 पुट करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली, जीरो आ बिल्कुल जाएगा। सही कह रही हैं, हम इसको वो करेंगे, चेकिंग कर लेंगे यहाँ पे, हम एक्स की जगह पे फंक्शन हमारी चेकिंग करने जा रहे हैं हम इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x/3x-1, राइट, पुट एक्स इक्वल टू 1/3। देख लें यहाँ पर, अगर आप एक्स 1/3 पुट करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है ना। जी उस एक्स इक्वल टू 1/3, चेकिंग भी लिखती है आगे ना, ताकि समझ में आ जाए आप लोग। 5 एक्स या 5 वर्क के, तो 5 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3 × 1/3 -1, तो जनाब ये आ गया नॉट डिफाइंड केस आ गया। 5/3/0, तो इट विल बी नॉट डिफाइंड। कुछ नॉट डिफाइंड वही कर ले तो बताइए फिर, जी ठीक है आ गया समझ में, आ गया सही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में ना इन्होंने अब इनडायरेक्टली आपसे नहीं कहा है कि निकालने के लिए, सबसे पहले इन्होंने कहा भाई इनवर्स फाइंड आउट कर ली, फाइंड जी फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ओके भाई। तो लेकिन थोड़ा सच में ये गड़बड़ हो कि यहाँ पर 5x लगा दिए, हो सकता है इसका इनवर्स उस बना है 5x, 5x लगाइए, ठीक। और यहाँ पे ये एफ इनवर्स एक्स, ये भी लगा रहा, कंप्लीट कंडीशन। एग्जाम्पल नंबर 2, तो शुड आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन? जी ओके, सब में पहला काम हमने ये करना है कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 5x/2x-1, हमने करना है इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है ना। रैशनल फ्रैक्शन है, कौन से फ्रैक्शन है, ये रैशनल फ्रैक्शन।
आता है ना रैशनल का, तो शायद करवाया था मैंने, क्वाड्रेटिक का भी आप लोगों को करवाया हुआ है पहले लास्ट लेसन में, राइट। तो एक काम करते हैं कि मैं भी यहाँ पर इसको एक बार फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप लोग इधर जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लीजिए इसका, या डिस्कस करना है कि कैसे फाइंड आउट होता है। और चलिए डिस्कस कर लेंगे साथ, क्या होता है पहले स्टेप बाई इनवर्स फाइंड करने का, पार्ट वन करने जा रहे हैं हम, इनवर्स फाइंड करने जा रहे वाई हैं। के लिए सेट करते हैं। वाई को अज्यूम करते हैं हम इसको, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है जल्दी से भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स ओवर टू एक्स माइनस वन। तो पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स 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 की जगह वाई, ठीक है ये हो गया भाई, ये हो इसको गया और हमारा इक्वेशन को एक्स के लिए सेट करेंगे। एग्जैक्टली। फिर हम क्या करेंगे, हम मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट, तो नीचे वन लगा दिएगा ना एक फ्रैक्शन अगर नहीं हो ना, वन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप नंबर वन था जनाब। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या हो जाएगा भाई, टू एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स, ऐसे ही ना। जी दो एक्स आ गए, दो एक्स को एक्स बनाने के लिए क्या, सिंगल एक्स बनाने के लिए दो एक्स आ गए ना, जी क्या करें ये चलें आप लोग करें भी बताएं मुझे, वेट करो जी कर लें आप लोग, कर लो आप भी वहां से मैच कर लेते हैं हम लोग इसमें, राइट। जी तो ठीक है भाई, सिंगल एक्स बनाने के लिए क्या होता है भाई, स्टेप नंबर टू, एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए बताएं क्या करेंगे, इस लाइन में क्या करेंगे, कौन बताएगा सेकंड, जी टू एक्स बोले वाई को राइट साइड पे ले जाएंगे और 5x को लेफ्ट साइड पे ले ओके लेंगे। अरेंज कर देंगे ऑल एक्स एक जगह कर देंगे, सारे एक्स एक जगह, ताकि फिर हम लोग कॉमन निकाल सकें सिंगल बनाने के जी लिए, ऐसे ही है ना। तो एक्स कॉमन आ गया, टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू वाई, देन स्टेप नंबर टू कंप्लीट हो चुका है जनाब, एक्स इक्वल टू वाई और टू वाई माइनस फाइव। अब क्या करेंगे भाई, अब एफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे। ओके रिप्लेस कर देंगे हम इसे स्टेप नंबर थ्री, तो रिप्लेस विद एफ इनवर्स वाई, और ओके एफ इनवर्स एक्स आ चुका है जनाब, ये हमारा वो था ना पार्ट वन था, ठीक है ना ये पार्ट वन। पार्ट टू, सेकंड पार्ट में क्या था भाई, कॉपी किया था क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है फॉर एफ इनवर्स एक्स एफ इज इनवर्स नॉट एक्स, डिफाइंड। ओके फॉर विच एफ इनवर्स एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है भाई, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें इनवर्स क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। तो इनवर्स की इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, एक्सप्रेशन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, इनवर्स एक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके एफ इनवर्स एक्स आ चुका है, कैसे करेंगे भाई इधर भी इसको। अस्सुम करेंगे कि 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्योंकि अच्छा 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल क्यों करेंगे, x को क्यों नहीं करेंगे, ओपन टू x, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। एग्जैक्टली डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, फॉर नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर मस्ट बी 0, आ गई होगी x की वैल्यू आप लोगों के पास, ये भी कर रहे हैं। क्या रहे हैं ऑप्शन कर दीजिए, हो गया 5 ओवर 2। क्या होगा भाई, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 प्लस 2 आंसर है, ठीक है ना। चेक भी करेंगे तो उसमें वही आंसर आएगा, अगर मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक्स की जगह पे, ये 2 और 5 और 2 लिख देंगे, नहीं 2 और 5 नहीं, 5 और 2, 5 और 2 ओके यस लिख देंगे, तो जानने के लिए 0 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड केस बन जाएगा जनाब, 5 और 2 आई एम सॉरी, कैंसिल कैंसिल एक्स पहुंच गई नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है ना।